हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, IQ का एक लेटेस्ट अपकमिंग फोन है IQ G6 Pro। एक्चुअली गाइस, IQ G6 अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है, लेकिन एक बात तो है, IQ G6 था ना, वो IQ के पास में डिजर्व ही नहीं करता था, क्योंकि जो IQ का जो G5 था उसका एक एक्चुअली अपग्रेड फोन था ही नहीं। वो IQ G6 नाम तो अपग्रेड था, लेकिन एक्चुअल में वो जो है फोन अपग्रेड नहीं था, सिर्फ और सिर्फ IQ को अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना था, इसलिए जो है रीब्रांड कर दिया Vivo T1 को। लेकिन गाइस, ये वाला जो फोन है ना IQ G6 Pro, एक्चुअल में ये फोन डिजर्व करता था IQ G6 के नाम से IQ G5 का एक अपग्रेड फोन होने वाला है। ये गाइस, ये फोन जो है जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और काफी सारे जो है यहाँ पे लीक्स आने स्टार्ट हो गए हैं, ऑफिशियल जो कंफर्मेशन है वो भी आना स्टार्ट हो गई है। तो गाइस, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, कितने का ये फोन होने वाला है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्या आपको वेट करना चाहिए या फिर जो है नहीं करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं टीजर्स, रूमर्स, लीक्स, ऑफिशियल के बारे में। तो ये कुछ पोस्टर बाहर निकल के आ गया है, यहाँ पे IQ G5 का एक्चुअल में अपग्रेड फोन होने वाला है, ये IQ G6 Pro के नाम से आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। ये डिजाइन निकल गया है IQ G6 Pro का, कुछ इस टाइप का डिजाइन को देखने को मिलेगा, काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन है, कैमरा मॉड्यूल भी काफी इंटरेस्टिंग है। पर्सनली मुझे जो है ये डिजाइन पसंद आया है, क्या आपको पसंद आया है आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और गाइस, अगर बात करते हैं फ्रंट डिजाइन के बारे में, वही है इंटरेस्टिंग डिस्प्ले, जो कि है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट, और यहां पे आपको डिस्प्ले साइज मिलने वाला है वो है 6.67 इंच का डिस्प्ले, ऑलमोस्ट 6.7 इंच का डिस्प्ले। और यहां पे जो प्रोटेक्शन होने वाला है ना, वो होने वाला है पांडा ग्लास के साथ में। काफी इंटरेस्टिंग आपको डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा डिजाइन देखने को मिल रहा है, और काफी अच्छा प्रोटेक्शन आपको जो है देखने को मिलेगा। गाइस, नो डाउट परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वहीं अगर बात करते हैं बैक डिजाइन के बारे में, तो बैक डिजाइन भी काफी इंटरेस्टिंग है, कैमरा मॉड्यूल जो है मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। और गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, एक्चुअल में जो IQ G5 था ना, उसी का ही एक अपग्रेड फोन है, लेकिन चिपसेट में कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि IQ G6 Pro के अंदर भी स्नैपड्रैगन 778G आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब है परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, फ्रंट टच OS 12 पे वर्क करने वाला है। और अगर हम बात करते हैं एंटूटू बेंचमार्क स्कोर के बारे में, लगभग 4.5 लाख प्लस जो है आपको एंटूटू बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलते हैं स्नैपड्रैगन 778G के साथ में, एक अच्छा परफॉर्मेंस जरूर से प्रोवाइड करेगा। प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं, तो लगभग फोन होने वाला है 24,000 या 25,000 रुपए का होने वाला है, मतलब 20,000 से 25,000 रुपए बीच में रहने वाला है। अगर इसका प्राइस एक अट्रैक्ट करता है ना, अच्छा खासा प्राइस होता है, तो गाइस ये फोन जो है इजीली टक्कर दे पाएगा अपने कंपटीशन ब्रांड को। और गाइस, वहीं अगर हम बात करते हैं इस फोन के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, कैमरे में भी कोई डिफरेंस नहीं है IQ G5 के कंपैरिजन में। प्राइमरी सेंसर होने वाला है वो है 64MP के साथ में, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल होगा, और थर्ड जो कैमरा होगा वो होगा 5MP के साथ में। और गाइस, फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, तो वहां पर होगा 16MP का फ्रंट कैमरा सेटअप। एक ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन इंटरेस्टिंग है, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। IQ की जो परफॉर्मेंस है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग होता है, और साथ में जो कैमरा क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी होती है। हमने IQ G5 को जो है टेस्ट किया था, पर्सनली हमने यूज किया था, मतलब कैमरा क्वालिटी एक अच्छी आपको देखने को मिली थी IQ G5 के अंदर। उम्मीद करते हैं कि उससे भी अच्छे परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, कैमरा जो कलर्स हैं वो आपको अच्छे मिलेंगे IQ G6 Pro के अंदर। और गाइस, वहीं अगर हम बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस, चार्जिंग आउटपुट के बारे में, बैटरी होने वाली है यहां पे 5000mAh की बैटरी, एंड ये जो फोन है 44W चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला है। एंड अगर हम बात करते हैं यहां पे वेरिएंट्स के बारे में, बेस वेरिएंट होने वाला है 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे 8GB रैम वाला वेरिएंट भी लॉन्च होगा। और अगर हम बात करते हैं इस फोन के सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के बारे में, सिक्योरिटी परफॉर्मेंस यहाँ पे अभी हाईलाइट नहीं है कि साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा या फिर जो है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल में एमोलेड स्क्रीन तो है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होना चाहिए था, लेकिन अगर प्राइस इनको अट्रैक्शन के लिए कुछ अच्छी रखनी हो, तो हो सकता है कि साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर दे दे डिजाइन के साथ में, जो यहाँ पे साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर हाईलाइट नहीं किया गया है। तो गाइस, ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आप मुझे कमेंट करके बताना आपका क्या मानना है इस IQ G6 Pro के बारे में, क्या आप वेट करना चाहोगे या फिर जो है नहीं, जो भी आपके माइंड में हो ना, आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और सब्सक्राइब नहीं किया तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज की वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।